क्योंकि चीनी मैदा का बैटर बनाया जाता है और उसके अंदर इनमें अंडा फेंटा है, अंडा डाला है और उसको फेंटने के बाद फ्राई कर देते। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट में और आज रमज़ान यकम रमज़ान है और यकम मेरे कम में आप देख सकते हैं ये जो है ये मसला मालपुरा स्टॉल है। बेसिकली ये देखिए अंकल जो है रोड साइड पे ये स्टॉल लगाया हुआ है और मालपुरा यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, फ्राई करते हैं और उसे फ्रॉक करते हैं। आइए चल के उसकी प्रोसेसिंग दिखाते हैं कि मालपुरा कैसे बनता है। इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है, रमज़ान में काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं, रमज़ान की ये सौगात है। आइए चल के देखते हैं कि कैसे इसको तैयार किया जाता है, कैसे बनती है। आ जाए ये देखिए अंकल जो है ना लाइव प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए अंकल ये क्या डाल रहा आपने पहले? चार पांच चीज़ें क्या होती, कौन कौन चीज़ें? दाल, सूजी चीनी मैदा का बैटर बनाया जाता है और उसके अंदर इनमें अंडा फेंटा है, अंडा डाला है और उसको फेंटने के बाद फ्राई कर देते हैं। ऐसे ही है, सही है। अभी देखिए अंकल ये कितने साल हो गए आपको स्टॉल लगाए हुए? मतलब हर रमज़ान में मैं देखता हूँ कि हर रमज़ान में आप यहाँ पे आए थे। थोड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब तकरीबन 70 साल हो गए होंगे? 37 साल। 37 साल पुराना ये स्टॉल है भाई, यहाँ पे आपको रमज़ान में यकम रमज़ान से ऑनवर्ड पूरे 30 दिन तक आपको यहाँ पे अंकल जो है बाबा जी मालपुरा यहाँ पे बनाते हुए देखेंगे आप इनको। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पाकिस्तान की फेमस, कराची की फेमस फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। लाइव प्रोसेसिंग आप देखें, आप देखें अंकल चम्मच से फेंट रहे हैं, अंडे के साथ मिक्स कर रहे हैं उसे बैटर को और अब ये फ्राई हो रहा है। एक एक पराठा, ये एक मालपुड़ा कितने का है? 200 रुपये का। ये 200 रुपये का एक फ्राई भी साथ देते हैं? अच्छा, सही है सही है, वो बाद में बताता हूँ। पहले आप इसकी प्रोसेसिंग देख लें कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, फ्राई हो रहा है। ये बड़ी कढ़ाई में तेल के अंदर फ्राई हो रहा है, आप देखें बड़ी कढ़ाई में इन्हें तेल डाला हुआ है और उसमें फ्राई कर रहे हैं। अब ये देखें ये देखें मज़ीद आयल शामिल कर रहे हैं इसमें। ये घी है, मिजान घी है। मिजान घी? अच्छा घी आ रहा है, मेल्टी डरन गर्म किया हुआ है। सही है सही है, मिजान आयल इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें ये तैयार हो गया। अब इसको आगे वाली मशीन में, ये जो प्रेसिंग मशीन है इसमें प्रेस करते हैं ताकि इसमें आयल जो वो सारा ड्रेन अप हो जाए। अब ये देखें अब जस्ट वो वाला तैयार है, उसको रैप अप किया जाएगा बटर पेपर में।
ये देखें रैप अप कर रहे हैं इसको और दोनों साइडें बंद की जा रही हैं ताकि ठंडा ना हो जाए, गर्म सर्व किया जाए, हॉट सर्व किया जाता है। ये देखो ये असल, अब ये देखें, अब इसको अंदर बटर पेपर है और उसमें रैप अप किया और दोनों साइडें इसकी बंद कर दी और जस्ट ये रेडी है। अब ये थर्ड वन है, ये तीन रेडी हो गए और इसके साथ ये मलाई सर्व करते हैं। मालपुड़ा के साथ जो है ना, मालपुड़ा के साथ जो है ये मलाई रबड़ी पेश की जाती है। ये देखें अंकल ने छोटे पैक एक मालपुड़ा के साथ एक ये देते हैं आप, ये 200 रुपए में। ये देखें ये मलाई रबड़ी है जो साथ दी जाती है, ये भी घर से तैयार करते हो आप। अच्छा ये होम मेड मलाई रबड़ी है, सही है, ये बाजार वाली, बाजार वाली नहीं है, सारी चीज़ें अपनी है, सही है। ये देखें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेसिंग दिखाई मालपुड़ा कैसे तैयार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।